चार्जिंग पिन। दुल्हा पिन। बिरयानी के लिए FR2 पढ़नी पड़ती है। FR2 पढ़ना अब्दुल्ला। इधर ही रहें अभी, ये सही करें आवाज़ ज़रा ज़रा तो यार। ठीक है चलें शुरू करें। जी इसी यार इसके ऊपर टेम्परेचर डाउन कर दो, टेम्परेचर डाउन कर दो थोड़ी देर के लिए। विशाख को दरवाजे भी खोल दो अभी दो चार, बस 5-7 मिनट के लिए भी कर दो, 16 पे कोई मसला नहीं है, फिर 5 मिनट बस ठीक है सही कर लेंगे। दरवाजे खोल दो दोनों थोड़ी देर के लिए। ओके दुल्ला आप इधर ही रहें थोड़ी देर। सीए करने आए हो, टाइम ज़ाया करने आए हो? वर्किंग वन प्लीज, टाइम किसी ने ज़ाया नहीं करना। वर्किंग वन इनकम फ्रॉम बिजनेस। प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दूसरा दरवाजा भी खोलें। जी कह रहे हैं अभी थोड़ी देर कर दें। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1-2-7-0-7। ये मैंने पहचान लिया ये कौन है। 1-2 किधर बैठा हुआ है? हाँ ये 1-2-7-0-7 इधर आ जाइए फर्स्ट रो में। ओके अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन जो 12 लाख आ रही है उसको उल्टा दें। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन जो 12 लाख आ रही है इसको उल्टा दें। जी कितनी डेप्रिसिएशन है? 1200 इसको उल्टा दें भाई। एक ही दफा जरा जगह बना दो। ओके नेक्स्ट टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन हमने 3 एसेट्स पर माइनस करनी है, लेकिन ज़रा क्लास पूरी हो लेने दें फिर मैं इंशाल्लाह इसको करवाता हूँ। इसमें मैं फॉर्मेट ज़रा बना लूँ। लेस कर लें जी टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस इसमें 3 चीज़ें हैं। नंबर 1 प्लांट, जिसकी हमने सुबह की क्लास में वर्किंग 2 ओपन कर ली थी। तीसरी चीज है कंप्यूटर वर्किंग 3। चौथी चीज है मोटर व्हीकल। जी अब सफोकेशन होगी रिमो कर दें दरवाजे में। है खत्म हो गई या है अभी? जल्दी बोलें बताएं। है अभी ठीक है अभी खुले रहने दें। ओके
इसी के विंग्स ऊपर कर दो। चलें जी नोट करें यहाँ तक। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर लें। अच्छा मैं ये चाह रहा हूँ ज़रा क्लास पूरी हो जाए फिर हम मेन एडजस्टमेंट सवाल की करें। पहली एडजस्टमेंट है वो ऐसी परेशान करने के लिए देता है, उसमें से थोड़ी सी चीज़ें तो शांति हमने सुबह कर ली थी, एक डिस्पोजल है वो इंशाल्लाह मैं आपको करा दूंगा, तो बाकी आगे सवाल सारा आसान सा है, बाकी आगे सवाल में कोई मसला नहीं। तो पॉइंट टू से मैं इसलिए सवाल को शुरू कराऊँ, ये वाला बंद करते हैं दोबारा। 40,000 आपने पे किया एक फैक्ट्री सुपरवाइजर को 23 मार्च 2025 को एज एडवांस सैलरी फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, उसे अप्रैल की सैलरी पे की है क्योंकि उसको पैसों की अशद ज़रूरत थी, बैंक क्लोज थे 23 मार्च को, कौन सा डे था, पाकिस्तान डे था, ही वॉज पेड इन कैश, 40,000 उसको कैश में पे कर दिए। 40,000 को 12 से ज़रब दूँ 6 महीने, भाई आप आगे आ जाओ ना, आप लोग जिसको इधर बड़ी जगह है दूसरी तीसरी रो में, जिस जिसने आगे आना है आ जाए, आप ज़रा जगह बना दें, जो जो आगे आना चाहते हैं जो बैठना चाहते हैं वहाँ ठीक है। अच्छा तो 40,000 को 1 महीने से ज़रब दूँ 2 से 3 से क्या करूँ, सिर्फ एक दफ़ा तनख्वाह उसको हमने कैश में दी है और वो कौन सी तनख्वाह है, वो मार्च में उसे अप्रैल की तनख्वाह बस दे दी है, तो सैलरी जो कैश में पे हो वो डिडक्शन नॉट अलाउड है अगर 25,000 से ऊपर की हो। सर अस्सलाम वालेकुम, अगर 25,000 से ऊपर की हो तो एक दो लाइन में ऐड और लेस में छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो ना अकाउंटिंग वालों को कोई गेन लॉस टाइप चीज़ आनी है, ठीक है उसके लिए मैं एक दो लाइन छोड़ रहा हूँ। तो चलें जी बताएं भाई, सैलरी पेड इन कैश कितनी जी, 40,000। भाई आगे आने तो आ सकते हो, ऐसे ऐसे देखते हैं। ओके चलो यार आप ऐसा करो, आप एसी कर दो 20 पे, आप एसी कर दो 20 पे। चलें जी बच्चे बच्चे आ गए हैं, अब हम बिस्मिल्लाह पढ़ के पहली एडजस्टमेंट से शुरू करते हैं। अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन थी 12 लाख, वो हमने उल्टा दी। अब सवाल ना टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन दे नहीं रहा बल्कि टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए डेटा दे रहा है। तो द टैक्स WDV एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर इज एज फॉलोज। अच्छा सुबह वाली क्लास में हमने बात की थी प्लांट एंड मशीनरी में ना एडिशन है ना डिस्पोजल है, और पीली लाइन मैंने एक दफ़ा लगाई थी, भाई भाई टाइम पे आए हो आप, पीली लाइन मैंने एक दफ़ा लगाई थी, आप दोनों हाइब्रिड के हैं हाँ तो जाएं उधर है जगह। अच्छा तो प्लांट की डिप्रिसिएशन हमने ओपनिंग WDV पे कैलकुलेट कर ली थी, डेट वॉज 1029। अच्छा जी इसके बाद अगर आप कंप्यूटर्स में आए, अच्छा एक मेरी बात सुनिएगा गौर से जरा, ये कंप्यूटर कौन से हैं, द टैक्स WDV और फिक्स्ड एसेट पिछले साल के आखिरी दिन वाले, ये वो फटे पुराने फटीचर कंप्यूटर होंगे जो पिछले सालों के खरीद के रखे हुए हैं, जिसके कीबोर्ड को बच्चे पाँव से भी यूज कर तुम तो उनके बटन खराब, ये वो वाले कीबोर्ड होंगे, ये वो वाले कंप्यूटर हैं, ठीक है जी। ये कंप्यूटर पिछले साल वाले फटे पुराने पड़े हुए हैं, इनको भी इस साल इस्तेमाल करेंगे, तो इन कंप्यूटर्स पर पूरे साल की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर दें जैसे हमने पिछली क्लास में की थी, और जो नया कंप्यूटर खरीदा है नया लश पश जबरदस्त कीबोर्ड अनबॉक्स करके, ये जो कंप्यूटर है इसके ऊपर दो चीज़ें कैलकुलेट होंगी, एक इनिशियल लॉस कैलकुलेट होगा और एक टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट।
तो इस कंप्यूटर के ऊपर हमने इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट कर लिया और ये 25% और टैक्स वालों की। मैंने 800 में इस 8 लाख में इस 1.5 लाख का पंगा इसलिए मिक्स नहीं किया कि ये ओपनिंग एसेट्स अलग हैं और ये एडिशंस अलग हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं। आपको पता है ओपनिंग एसेट्स वो होते हैं जो साल के शुरू में पड़े हुए थे और एडिशंस वो होते हैं जो नए खरीदे। तो ओपनिंग की डिप्रिसिएशन अलग निकाल लें, एडिशन की डिप्रिसिएशन अलग निकाल लें। क्लियर? चलें जी, कितनी की डिप्रिसिएशन? 312। क्लियर? तो सवाल ने अकाउंटिंग वालों की डेप्रिसिएशन दे दी थी, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन एक एक करके हमसे निकलवा रहे। चलेंगे अब हमारी वर्किंग होगी 4। हमारे पास कोई एक वहीकल है पिछले साल के एंड पे या एक से ज्यादा, अब्दुल्ला बंद कर देने वाला, हमारे पास कोई एक वहीकल है या पिछले साल के एंड पे एक से ज्यादा वहीकल्स पड़ी हुई हैं? एक से ज्यादा वहीकल्स पड़ी हुई हैं। इनकी ओपनिंग बुक वैल्यू कितनी है? 3 लाख। चले जी, इसकी कैलकुलेशन शुरू करते हैं। 30 लाख। वर्किंग नंबर 4। टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन किसके ऊपर? व्हीकल्स के ऊपर। हाँ, व्हीकल मोटर वाली ही होती है। अच्छा किया तुमने मुझे बता दिया। अब मुझे बताएं, ओपनिंग एसेट्स के ऊपर अलग हमने डेप्रिसिएशन निकालनी है और डिस्पोजल के ऊपर अलग डेप्रिसिएशन निकालनी है? मेरे तो ख्याल से डिस्पोजल्स को डेप्रिशिएट करना ही नहीं, क्योंकि टैक्स वालों की नज़र में नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। ओके, ये मोटर व्हीकल की 80% यूज्ड इन बिजनेस में देख लेता हूँ अभी, उसको मैं बता दूंगा कहाँ अप्लाई करना है। ओपनिंग बीवी बताएं सारी व्हीकल्स की, ओपनिंग बीवी 3000। मेरे ख्याल से मुझे हेडिंग डालनी चाहिए ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, यानी ओपनिंग व्हीकल्स एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ओपनिंग व्हीकल्स में से बिकी हुई व्हीकल्स को माइनस कर दे, नोट करें, ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल। ऑन ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, ओके। अब मुझे बताएं, ओपनिंग व्हीकल की साल के शुरू की WDV क्या है? 3000। क्या इस 3000 पर मैं पूरे साल का रेट लगा दूं या इसमें से मैं डिस्पोजल को माइनस कर दूं? डिस्पोजल को माइनस कर दें। उसके लिए मुझे डिस्पोजल की WDV ओपनिंग चाहिए। उसके लिए मुझे डिस्पोजल की क्या चाहिए? बिल्कुल अकाउंटिंग की क्लास समझने शुरू हो गई। इसलिए मैं एक वर्किंग खोलता हूं, वर्किंग नंबर 5। वर्किंग नंबर 5, इसमें मेरा मकसद है टैक्स वालों की WDV निकालना। किस वाले एसेट की? जी जी, उनको पता चल गया, वो देख रहे हैं, पीछे देखने से नहीं सही होगी। टैक्स वालों की WDV किसकी? डिस्पोज वाले एसेट की, ऑन डिस्पोज एसेट। चलें जी, एक मोटर गड्डी है इधर देखें, जिसके थे पहिए 4, वॉज परचेज्ड ऑन 15 जून 23 एट अ कॉस्ट ऑफ 10 लाख। 75 लाख से बहुत सस्ती खरीदी थी, 10 लाख की खरीदी थी, 7.5 वाला चक्कर नहीं है। एंड वॉज सोल्ड फॉर
7 लाख ऑन 31 मई 2025। आगे मत पढ़े जी। खरीदी कब? 15 जून 23। 30 जून 23 को पहली दफा डेप्रिशिएट होगी, 30 जून 24 को दूसरी दफा डेप्रिशिएट होगी, और 30 जून 24 वाली बीवी मुझे चाहिए, क्योंकि ये सारी बीवियां भी 30 जून 24 वाली हैं। तो ये बीवियां सारी व्हीकल्स की 30 जून 24 वाली हैं, और बिकी हुई व्हीकल की बीवी आ जाएगी, तो इन बीवियों में से जब उसकी बीवी माइनस कर देंगे तो उन व्हीकल्स की बीवियां आ जाएंगी जो पूरा साल इस्तेमाल हुई। मैं ये सिर्फ कह रहा था कि ये सारी व्हीकल्स की ओपनिंग बीवी है, मुझे चाहिए बिकी हुई व्हीकल की ओपनिंग बीवी 30 जून 24 को। आई एम फीलिंग लाइक कि मैं F1 पढ़ रहा हूं। ओके चलें जी, कॉस्ट बताएं। आपको पता है कॉस्ट से बीवी पे पहुंचना आसान है। कॉस्ट 1000 लेस डेप्रिसिएशन किस साल की? 30 जून 23 की जी। 1000 ज़रब 15% बोले 1। बट आप पेपर में ऐड 15% लिख दीजिएगा, ये लिखते रहेंगे तो पेपर में यही करते रहेंगे, अगला पेपर भी देना होता जाके। 850 लेस डेप्रिसिएशन जी। इसमें ना मैं एक दो जगह आके छोड़ रहा हूं, वो मैं आपको वजह बताता हूँ थोड़ा सा। ओ मैं कर लेता हूँ जी। बोले 1000 ज़रब 15% कितनी आ गई जी? 150। जवाब 850। सब अच्छा जी, आप डेप्रिशिएट कर दें, अभी नोट नहीं करना आपने। 30 जून 24 बोले 850 इंटू 723। चलो ठीक है, 23-22 वाले क्लास के बाद गुथम गुथा हो जाइएगा। ओके मोहतरम, आपसे मैं पूछ रहा हूं, जिसने बैग खोला है, ये आप मुझे बताएं बीवी कब की है? बीवी ये बीवी कब की है? 30 जून 24 की। ये किसकी बीवी है? ये बताएं किसकी बीवी है? टैक्स वालों की बीवी तो मुझे पता है, ये बिके हुए एसेट की टैक्स वालों की बीवी है। ओके ये किसकी बीवी है? ये सारे कंप्यूटर्स नहीं, व्हीकल्स, ये सारी व्हीकल्स की बीवी है, और ये उस व्हीकल की बीवी है जो व्हीकल बिक गई। तो अब मैं क्या करूं? अच्छा, बिके हुए की बीवी बोले 7222 डन। तो ये आप कैलकुलेशन कर लें यहां तक। यहां ना एक दो लाइनें जरा छोड़ दीजिएगा, मैं एक चीज आपको याद कराऊंगा जो तुम्हें भूल गई होगी, एक चीज मैं आपको याद बाद में करवाऊंगा। किसी की कहीं और क्लास हुई ना तो वो वाली क्लास मिस ना करे, इस क्लास के बीच में से उठ के चला जाए, ताकि जिस और कॉलेज में क्लास है आप वो क्लास ले लें, ये यूट्यूब पे बकाया पोर्शन इसका ले लीजिएगा। ओके क्या मतलब? क्या मेरी मर्जी? अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें जो मेरी ओपनिंग गाड़ियां हैं वो ओपनिंग गाड़ियां बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सब के लिए 15%। लेकिन व्हीकल तो किस में यूज हो रही हैं? 80% बिजनेस में, 80% बिजनेस इंटू 80% जी। बोले 273।
अच्छा लिख लिया जी 273। बड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं हमें, क्या मसला। ये 15% कौन सा रेट है भाईजन, और ये 80%। Where an asset is partly used in deriving income from business and partly for another use, the depreciation will be done tote tote. Depreciation को portion कर देंगे. Clear? अच्छा यहां तक जी अल्लाह का शुक्र है हमारी depreciation calculate हो गई. एक चीज आपको मैं बताता चलूं, अगर आप आई गए आज, on disposal क्यों ना मैं depreciation charge करूं? No depreciation in the year of disposal. तो टोटल 273। खरामा खरामा कदम रखें 273। ओके अब मजे की कैलकुलेशंस देखें, मजे मजे की। इसमें मैंने जो डिडक्शन निकाल ली है वो सिर्फ ओपनिंग पे, इसमें ओपनिंग पे और भाईजान बूथा होते इधर थोड़ी देर। अच्छा मैं ये कह रहा था कि इसमें जो हमने डिडक्शन निकाली है वो ओपनिंग पे निकाली है, इसमें ओपनिंग पे भी निकाल लिया और एडिशन पे भी, और इसमें ओपनिंग एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल, लेकिन ऑन डिस्पोजल पे लग से मैंने इसलिए शो कर दिया ताकि आपकी एफआर वन ना हिल जाए कहीं। तो ऑन डिस्पोजल नो डिडक्शन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। क्लियर? अच्छा अब एक मसला है जो न्यूटन ने आइंस्टाइन को बताया था। न्यूटन ने आइंस्टाइन को बताया था कि इन फ्यूचर देयर विल बी अ सेक्शन इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 सेक्शन 22 सेक्शन सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 13 सबसेक्शन 13 के अंदर, नहीं 13 नहीं है 10 है मेरे ख्याल से, सबसेक्शन 10 न्यूटन को भूल गया था, सबसेक्शन 10 यही तुझको धुन है रहूं सबसे आला हो जीनत निराली हो फैशन निराला। साथ वाले से पूछ लें जिया करता है क्या यूं ही मरने वाला। नहीं उसे आराम से बता दें तुझे उसने जाहिर ने धोखे में डाला। जी बातें करते हैं। ओके खोल दो भाई दरवाजे खोल दो बाहर ही जाके भेजो। अच्छा मोहतरम एक सेक्शन हमने पढ़ा था सेक्शन 22 का, 10 तो नहीं, 10 तो डेप्रिसिएशन वाला था, पेज 135 से तो आपको चीजें याद नहीं आएंगी। मैं आपको दिखाता हूं इधर से, ये पेज 138 से। जब कोई एसेट पार्टली बिजनेस और पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हुआ था तो हमने उसकी डेप्रिसिएशन को तोते तोते कर दिया था। ये करने के बाद हमने बेचने के साल में WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड को, ताकि मेरा गेन लॉस निकल आए। तो ये काम गेन लॉस निकालने के लिए था, ये काम गेन लॉस निकालने के लिए था। जो WDV आपने माइनस करनी है डिस्पोजल में वो यही वाली करनी है, वो यही वाली फिगर करनी है। तो बिके हुए एसेट की अल्लाह शुक्र है W अल्लाह का शुक्र है WDV यही है 722, उसमें कोई मसला नहीं मुझे। लेकिन एक काम अब मैं करने लगा हूं क्योंकि आपको पता है डिस्पोजल के दो इंपैक्ट होते हैं, एक तो डिस्पोजल हो जाए तो डिप्रिसिएशन वाली डिस्कशन होती है, और डिस्पोजल हो जाए तो गेन लॉस वाली डिस्कशन भी होती है। तो अब अगर आपको याद हो मैंने टैक्स गेन लॉस निकालने, इसके लिए अब मैं दो काम करूंगा आपके सामने। एक काम यह करूंगा कि इतनी सी तो वर्किंग मैंने कर ली है, इसके टोटे करूंगा
उसके बाद गेन लॉस निकाल लूंगा। गेन लॉस निकालने की वर्किंग कंसिडरेशन माइनस टैक्स वालों की WDV, याद आ रहा है? अब ये दो काम करेंगे, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 वाला। चलें जी, अब इसके अंदर आप परसेंटेजेस बता दें, 80% और 20%, 120 और ओ 10 26। अब सबज मार्कर पकड़ के अगर चले तो डीवी पता है आपको कैसे निकलेगी अभी डिस्पोजल्स की? WDV में ऐड कर देंगे डिडक्शंस नॉट अलाउड। क्लियर? वर्किंग 1 को तो मैंने कहा ऊपर छोड़े ना। चलें जी, ये वर्किंग 5 को जरा फैला दें 80-20 करके। और अभी इस ग्रीन को की टेंशन ना लें, इस ग्रीन का अब मैं बताता हूं क्या करना है। चलें जी, वर्किंग 6 की को बंदा हेडिंग लिखवाए, वर्किंग 6 टैक्स वालों का गेन और लॉस, टैक्स वालों का गेन या लॉस। एक बात मैं लिख दूं शायद आपको याद हो, मेरा साल है 2025, तो मैंने WDV कब की लेनी है? कैसे फंस गई थी? तो मेरा साल कौन से 2025, तो मैंने WDV कब की लेनी है? 30 जून 2024। चलिए, कंसिडरेशन तो सवाल से मिलेगी, मैंने कौन से इधर जो है वो ना, ऐसा कोई चक्कर नहीं है इसमें, कंसिडरेशन आपने जो है वो सही वाली लेनी है, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। डेट वॉज सोल्ड फॉर 7.5 लाख, डेट वॉज सोल्ड फॉर 7.5 लाख जी। कंसिडरेशन बोले 750। ये सिनेरियो है पहला वाला, पहली एक्सेप्शन, बेचने के साल में WDV को छेड़ना है, और गाड़ी होती तो कंसिडरेशन को छेड़ना था, याद है? तो इस सिनेरियो में WDV को छेड़ना है। WDV कितनी है जी? इसमें ऐड कर दें, अगर मैं ऐसे कर दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा, 722 जमा 26 जमा 30। अगर बुरा लगेगा तो फिर मैं क्लास की तरह कर देता हूं, जिस तरह क्लास में किया था। WDV बोले कितनी है? 722। ऐड कर दें नॉट अलाउड वाली डिडक्शंस 26 और 30। ये 26 किस साल की है? 2023। और ये 777 28 का लॉस। एक मिनट, ये काम हमने क्लास में ना दो दफा किया है, कम से कम दो दफा, इतना सा काम, सिर्फ एक छोटा सा काम किया था हमने, इस WDV को यहां से माइनस किया है, क्या निकालते हुए? डेप्रिसिएशन, बस, और हमने कोई नया काम नहीं किया। डन जी, तो आप बता दें जी, टैक्स वालों की डेप्रिसिएशन अल्लाह का शुक्र है निकल आई, हमने उसे पोस्ट कर दिया है, तो टैक्स वालों का ये क्या निकला है? कोई बता सकता है टैक्स वालों का लॉस ऐड होना चाहिए या लेस? रिकॉर्ड करना है टैक्स वालों का लॉस लेस होना चाहिए। तो वर्किंग 1 में जरा जगह है आपके, मेरे तो जब वर्किंग 1 में जगह बनानी पड़ेगी, जरा
वर्किंग ऑन में जगह है, चले दिल में बना लें जगह फिर। टैक्स वालों का लॉस ऑन डिस्पोजल, वर्किंग नंबर 6। बोले तो या बुलवाऊं। अच्छा यार, अब तसल्ली से हमारी बातें सुनना शुरू करें। थोड़ी सी एडजस्टमेंट, ज़रा थोड़ी सी लंबी आ जाए ना, बच्चे परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल परेशान नहीं होना। इधर देखें, कुछ बच्चों ने 80% नहीं लगाया होगा, ठीक है, उनको यहाँ तक के मार्क्स मिल गए होंगे। कुछ बच्चों ने 80 भी लगाया होगा, 15 भी लगाया होगा, -722 करना भूल गए होंगे, या 722 की जगह कोई गलत फिगर माइनस कर दी होगी। उससे क्या फर्क पड़ता है, आधा नंबर उसका कटा होगा। अब किसी बच्चे ने WDV गलती से 722 ही पकड़ ली होगी, 722 ही, उसको गेन लॉस निकालने के नंबर मिले होंगे और गेन लॉस को पोस्ट करने के नंबर मिले होंगे, WDV गलत निकालने के नंबर कटे होंगे। तो ये जो एडजस्टमेंट कभी आ जाती है ना, थोड़ी सी लंबी सी, तो इसको टैकल करने का ये तरीका नहीं है, पता नहीं किसके लिए दी है ये। इसमें से जो कुछ समझ आ रहा है वो कर दें। कोई बेचारा 722 माइनस नहीं कर सकेगा, या कोई 722 WDV में ले जाएगा, भाई इतनी सी गलती होगी और क्या होगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो जहाँ तक जान मार के एफर्ट करके वर्किंग होगी वहाँ तक तो करें ना, गेन लॉस निकाल लें नॉर्मल तरीके से। अच्छा, अब यहाँ पर पुत्र मेरी बात सुनो पुत्र, अच्छा यहाँ पर एक वाइल्ड थॉट हमारे जहन में आ सकती है कि अकाउंटिंग वालों की डिप्रिसिएशन हमने उल्टा के टैक्स वालों की डिप्रिसिएशन माइनस कर दी, और अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस मुझे पता ही नहीं, मैंने तो टैक्स वालों का लॉस माइनस कर दिया। सवाल कहता है पुत्र इधर आओ, हमने कहा आ गए। DV ऑफ मोटर व्हीकल वॉज इक्वल टू सेल प्राइस, ये कौन सी वाली बीवी होती है जो सवाल में दी हो? सवाल में जो बीवी दी होती है ये कौन सी वाली बीवी होती है? अकाउंटिंग वालों, जब तक कुछ ना लिखते ये अकाउंटिंग वालों की बीवी है। तो अकाउंटिंग लिखे ना, अकाउंटिंग बुक वैल्यू। सवाल कहते हैं अकाउंटिंग वालों की बीवी और अकाउंटिंग वालों की सेल प्राइस बराबर है। अच्छा यार मुझे ये बताएं, वैसे ही बताएं, सेल प्राइस क्या है? 7 लाख। तो अकाउंटिंग वालों की बीवी भी, तो अकाउंटिंग वालों की कंसिडरेशन में से अकाउंटिंग वालों की बीवी माइनस करें तो जवाब 0। तो अकाउंटिंग गेन लॉस 0। इट मींस कि एग्जामिनर ने आपको थोड़ा सा जो वाइल्ड थॉट जहन में आई थी वो रिलैक्स करने के लिए बता दिया कि ये नहीं है जैसा आप सोच रहे हो। अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस रिवर्स ना करो, क्योंकि अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस कितना आया? 0। अब किसी कोई अगर अकाउंटिंग वालों का गेन लॉस निकालना चाहता है ना, तो वो लिख ले अकाउंटिंग वालों का गेन या लॉस इज इक्वल टू 0। कैसे? 750 माइनस 750। तो अकाउंटिंग वालों की बीवी और अकाउंटिंग वालों की सेल प्राइस बराबर है। इस बात को उर्दू में मतलब लिख लें, इसलिए अकाउंटिंग की नज़र में कोई गेन लॉस नहीं आया। इस बात का उर्दू में मतलब लिख लें, इसलिए अकाउंटिंग की नज़र में कोई गेन लॉस नहीं आया। अच्छा, कभी भी टैक्स WDV ना, तो वो 7 लाख लिखेगा टैक्स WDV, ये अकाउंटिंग वालों की WDV हुआ करेगी जी। ओके चलें जी, पहाड़ निकल गया, माउस और उसकी टेल रह गई अब सवाल में। इधर ले आओ, किसी ने नोट करना तो कर ले, मैं वर्किंग वन के अलावा सब कुछ मिटाने लगा हूँ। कहीं ऐसा ना हो मैं आपके मत्थे पे पसीना ही मिटा दूँ। तस्वीर लेनी ले लो। दोस्त हैं अपने, ओके, कबड्डी खेलते हैं हम लोग इकट्ठे। कितने दिन गैप था? एक दिन। यार कितनी हिम्मत होती है, पूरा एक दिन छुट्टी कर लेते हैं। हमसे 5 मिनट ही क्लास में लेट हुआ जाता,
मैं सीरियसली तो थर थर टांगे कांप रही होती है बंदे की क्लास में लेट हो जाता हूँ। ओके खर्चों में पड़ा है खर्चों में पड़ा है। एक्सपेंडिचर ऑन इन हाउस होता है, खुद रिसर्च कर रहे हैं, खुद रिसर्च कर रहे हैं हम कि क्यूएम में बच्चे निकल के नहीं रहे, सॉरी रिलेटेड टू केज बिजनेस खुद रिसर्च कर रहे था। इसमें सैलरी पड़ी हुई 8,80,000 की साइंटिस्ट की, पड़ी रहने दें, क्या मसला है? मैं आपको दिखा देता हूं, अगर तुम्हें यकीन ना आवे तो मैं आपको दिखा देता हूं साइंटिस्ट की सैलरीज। मैंने आपको ये बताया था कि हाँ जबरदस्त, मैंने आपको ये बताया था कि साइंटिफिक लैब में, ये डायग्राम बनाई थी हमने, साइंटिफिक लैब में लैंड बिल्डिंग इक्विपमेंट सॉफ्टवेयर होगा उस पर सेक्शन 26 नहीं लगता, और साइंटिफिक लैब में यूटिलिटीज, साइंटिस्ट सैलरी, मटेरियल, स्टाफ सैलरीज होंगी, वो सारा अलाउड है। ये याद है आपकी क्लास में डायग्राम बनाई थी? तो याद रखिएगा साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे अलाउड होते हैं, पढ़ भी लें, अ डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च के खर्चे अलाउड हैं, शर्त यह कि कहाँ हो, पाकिस्तान में हो। तो सेक्शन 26 लिख लें यहां, सेक्शन 26। अच्छा जी भाईजन, खर्चों में 8,80,000 साइंटिस्ट की तनख्वाह पड़ी है, पड़ी रहने दें, गुड। खर्चों में 2,30,000 मटीरियल की कॉस्ट पड़ी है, मटीरियल लैब में यूज होता होगा, पड़ा रहने दें, पड़ा रहने दें। साथ पाकिस्तान होना चाहिए था, एंड 7,00,000 का मतलब ये कि ये अलग खर्चा है, एंड 7,00,000 इज पेड टू अ कंपनी इन चाइना, तो ये बाकी पेमेंट्स पाकिस्तान में है। तो बाहर की साइंटिफिक रिसर्च अलाउड नहीं है, पाकिस्तान में खर्चा करें रिसर्च का अलाउड है। दिस एक्सपेंडिचर वॉज नॉट रिकॉर्डेड एज इनटेंजिबल, शुक्र है, बिकॉज इसका फायदा 1 साल से कम था, तो इसको हमने इंटेंजिबल नहीं बनाया, ठीक है कोई मसला नहीं, खर्चे में डाल दिया, तुम लोगों ने सही किया, ये इंटेंजिबल है भी नहीं। हाँ अगर इंटेंजिबल कोई साइंटिफिक रिसर्च 1 साल से ज्यादा का फायदा देना तो उसको आप नहीं, साइंटिफिक रिसर्च है फिर वो, फिर आप उसको इंटेंजिबल बना सकते हैं। एक दफा मैंने आपको बताया था एडवर्टीजमेंट को भी इंटेंजिबल बना सकते हैं अगर 1 साल से ज्यादा का फायदा दे, तो अगर 1 साल से ज्यादा का फायदा दे साइंटिफिक रिसर्च तो इसको बना दीजिएगा इंटेंजिबल, कोई मसला नहीं, और इसको सेक्शन 24 को फिर मैं इसको अमोर्टाइज कर दीजिएगा। लेकिन अभी सवाल क्या कह रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च ने 1 साल से ज्यादा का खर्च बेनिफिट नहीं देना, जी द एक्सपेंडिचर वॉज नॉट रिकॉर्डेड एज इनटेंजिबल एज इट कुड नॉट प्रोवाइड बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर, तो ये 1 साल से ज्यादा का फायदा नहीं दे रही, इसलिए ये खर्चा टाइप चीज है। अच्छा आप मुझे बता दें साइंसदानों की तनख्वाह खर्चे में पड़ी हुई है, पड़ी रहने दें, मटीरियल खर्चे में पड़ा हुआ है, पड़ा रहने दें, ये खर्चे में पड़ा हुआ है, निकाल दें इसको, जी साइंटिस्ट सैलरी, मटेरियल का खर्चा, चाइना में रिसर्च 700, NOTE कर लें। टैक्स वाले कहेंगे अच्छा किया हाइब्रिड वाले आ गए, मुस्कुरा के देखें साथ वाले को, हाइब्रिड वाले सर पे हाथ फेरें, मारे मत तो मारे तो, ओके ना 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 गुतम गुतम नहीं, ओके नेक्स्ट जी। साइंटिस्ट को सैलरी अगर कैश में जा रही होती तो फिर वो वाला रूल है ना, हाँ भाई पूछ रहे हैं साइंटिस्ट को सैलरी अगर कैश में जा रही होती तो क्या होता, भाई जी अगर साइंटिस्ट को सैलरी कैश में जा रही होती और सैलरी 1 महीने की 25,000 से ज्यादा होती तो ऐसी सूरत में हम इसको नॉट अलाउड कर देते। An expense of प्लॉट को खर्चे में डाल दिया
एन एक्सपेंस ऑफ 6.5 लाख, रहने दें सीए करें, एन एक्सपेंस ऑफ 6.5 लाख पेड एज इंस्टॉलमेंट टूवर्ड्स, यानी प्लॉट की इंस्टॉलमेंट जो पे करेंगे, फिर तो प्लॉट डेबिट हो रहा होगा या एडवांस डेबिट हो रहा होगा, ये खर्चा टाइप चीज तो नहीं है। तो प्लॉट की इंस्टॉलमेंट प्लॉट अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए या फिर प्लॉट की इंस्टॉलमेंट एडवांस अकाउंट में डेबिट होनी चाहिए, इन एनी केस खर्चा नहीं है ये आपका, क्योंकि प्लॉट एक टेंजेबल आइटम है। लेकिन इसको उल्टा के इसकी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करनी, क्योंकि ये प्लॉट है अभी, इसके ऊपर कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं बनी, तो ये खर्चा है ही नहीं प्लॉट, तो इसको क्या करें, उल्टा दें, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है, खर्चों में डाल दिया उसने प्लॉट खर्चा 650। भैया ये एक दफा 4-5 इकट्ठे हो जाए ना फिर ही उठाना। अच्छा जी जी, बिजनेस के लिए क्या करना है फिर, इसको बेचने, हाँ हाँ बिजनेस में जब इसकी फिर बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग को डेप्रिशिएट करना शुरू करेंगे, फिर भी ये बिजनेस का खर्चा नहीं होगा। परचेज ऑफ में वर्थ रुपीज 2,25,000 फॉर में द पेमेंट कसाई पाईजान, तुहाड़ा बैंक अकाउंट है? कसाई ने कहा जी पाईजान मेरा बैंक अकाउंट है, चल तुझे क्रॉस चेक में पेमेंट करते हैं आज हमें, चल बकरा पकड़ा, बकरे 2-3 हमने डाले, गोट्स गोट्स, साथ वाले के सर पे हाथ रखें गोट्स। अच्छा तो बकरे बकरे पकड़ के हमने रिक्शे में डाल लिए और पेमेंट उसको चेक से कर दी, तो माशाल्लाह जबरदस्त हो गया, चेक से पेमेंट होगी। और भाईजान ये पर्सनल एक्सपेंडिचर है फॉर सेक्रीफाइस ऑन दी मीटिंग ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर सेक्रीफाइस ऑफ ऑन, अच्छा सेक्रीफाइस ऑन ईद उल अजहा, तो ईद उल अजहा पे कुर्बानी लगती है दफ्तर को, दफ्तर पे कुर्बानी करना वाजिब है, तो दफ्तर का खर्चा तो नहीं है ये। अगर एम्प्लॉइज की मीटिंग पे बकरे जबा हो रहे हैं, मटन लैम रोस्ट बन रहे, वो अलाउड है, वो अलाउड है, लेकिन ये तो घर का खर्चा है। सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी, और कुर्बानी बिजनेस के ऊपर नहीं है, कुर्बानी किसके ऊपर है, क्या नाम है बंदे का, नाम ही नहीं, कामयाब अब्बास, अब्बास मैं जी 2-25 Okay, चलें आगे, चलें यार, चलें घर भी जाना है बच्चों ने, मैंने जरा रिवाइज भी करने अगली क्लास को पढ़ा के, मुझे पक्का हो जाएगा। अच्छा पॉइंट नंबर 4 डोनेशंस है, अगर डोनेशन को बिजनेस के खर्चों में डाल दें तो इससे पहले के कुछ और करें, इसको उल्टाएं, इसको उल्टाएं, डोनेशन को खर्चों में डाल दिया वैसे उल्टाएं। आप देख लें आगे कितनी आसान आसान एडजस्टमेंट्स पड़ी हुई है, ऐसे पहली एडजस्टमेंट ना बंदे को घुमा के, सर मेरा पहली एडजस्टमेंट में इतना टाइम गुजर गया सर, मुझे समझ नहीं आया मेरे साथ क्या हुआ पीपो में, भाई अगे देखा ओ आगे सर वो तो बड़ी आसान थी, वो तो मुझे आवे। ओके डोनेशन ऑफ 1,000 टू अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, अप्रूव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को 1,000 की डोनेशन दी है, और एक बार याद रखिएगा अप्रूव्ड इदारों को डोनेशन दी है, अप्रूव्ड इदारों को डोनेशन दी है, 40% ऑफ दिस अमाउंट वॉज डोनेट ऑर्गेनाइजेशन इन 13 शेड्यूल एंड ऑल डोनेशंस वर मेड थ्रू क्रॉस चेक, क्या करें 40-60 भाई, नहीं 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 इसमें जब रीक्लासीफाई करना है ना फिर इस लाइन को पढ़ेंगे, जब रीक्लासीफाई करना है ना फिर इस लाइन को पढ़ेंगे, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं, इसमें मैं रीक्लासीफिकेशन का साइन डाल जाता हूँ उस वक्त ना टैक्स रूल्स इस पर लगा लेंगे, फिलहाल खर्चों में पड़ी हुई है इसे उल्टा दें, और यहां पे छोटा सा आपने समझने के लिए रीक्लासिफाई लिख जाते हैं, इसको फेस पे ना टैक्स क्रेडिट देना है इसको, वो टैक्स क्रेडिट कोई नहीं देना, इंशाल्लाह 20 मिनट में आपको फारिग कर रहा हूं, फेस न्यूमेरिकल का घर जाके बनाएंगे आप,
तो इसको उल्टा देना है, इसको क्या कर देना है, उल्टा देना है डोनेशन को, डन। और फेस पे जाके टैक्स क्रेडिट जब निकालेंगे ना, तब डिस्कशन कर लेंगे कि आगे क्या लिखा हुआ था। तो मैंने आपको 12 आदत डाली है कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं आगे 40-60% पढ़ के और उल्टाते हुए भी मसले, उल्टाना आपने एज इट सेम अमाउंट से। अदर इनकम इंक्लूड, क्या इंक्लूड, अमाउंट ऑफ 7 लाख रिसीव फ्रॉम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑन टैक्स रिफंड रिलेटेड टू टैक्स ईयर ब्ला, दिस अमाउंट इंक्लूड एन एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड। इस तरह की लाइनें कहां पड़ी थी, अदर सोर्स में। खुदा के लिए ये लाइन ना पढ़ें, अदर इनकम इंक्लूड 720, इसे उल्टा दें, ये बिजनेस नहीं है। याद आ रहा है एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड टाइप, मैंने अगली अंग्रेजी क्यों जल्दी जल्दी पढ़ी है, मैं उसको आराम आराम से पढ़ूंगा जब मैं अदर सोर्स करूंगा। फिलहाल मैंने नजर मार ली है कि वो बिजनेस की इनकम नहीं है। वो बिजनेस इनकम क्यों नहीं है, क्योंकि वो अदर सोर्स है, क्योंकि वो एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड है, ये बोलना था। ठीक है, इसको कहां डाल लें, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अच्छा, अदर इनकम प्रॉफिट तक पहुंचते हुए क्या हो चुकी होती है, इसको कैसे उल्टाते हैं, कितना 720, इसको जरूरी नहीं एग्जैक्ट 720 से डालें, इसको आप जिस मर्जी से डालें, वो मेरी बात की डिस्कशन है, मैं छोटा सा इसके साथ लिख जाता हूं रीक्लासिफाई, ताकि न्यूमेरिकल के फेस पे मैं इसको अदर सोर्स में डाल दूं। बल्कि न्यूमेरिकल के फेस पर अदर सोर्स में तो डालना नहीं है, ये तो अदर सोर्स की वर्किंग ही खोल लेते हैं। वो तो फेस वाली चीज हुई तो फिर फेस पे डाल लेंगे, अभी मेरे ख्याल से रीक्लासिफाई लिख के ऐसी टाइम जाया करूं मैं, लेट अस ओपन आवर वर्किंग, छोटे बड़े यार वर्किंग खोलें, 720 को तो उल्टा दें, साथ ही वर्किंग खोलें और ये काली पट्टी भी फारिगी कर दें। वो टैक्स क्रेडिट में इसलिए नहीं निकाल सकता था कि अभी तक डाटा अवेलेबल नहीं था, लेकिन ये वर्कआउट कर सकता हूं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये जरा वर्कआउट करते हैं। वर्किंग नंबर अब पता नहीं कौन सी बन गई है, वर्किंग नंबर 7। तो इसको फिर साथ साथ ही पेपर में रीक्लासिफाई करते जाइएगा, कैसे, इसको साथ साथ ही पेपर में रीक्लासिफाई करते जाइएगा। डोनेशन के लिए तो टैक्स लाइबिलिटी चाहिए ना, किधर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, भाई पेज 238 पे हमने पढ़ा था कि आपने 28 मिलियन टैक्स जमा कराया था, उसमें 8 मिलियन आपने ज्यादा जमा करा दिया था, तो जब आप वापस लेने गए तो आपको 8 भी मिला, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मिला 1.4, टोटल मिला आपको 8.4। 8.4 में से 1.4 आपकी इनकम है, क्योंकि 8 आपको अपना प्रिंसिपली वापस मिल रहा है। तो जब कभी आपको हुकूमत आपका टैक्स रिफंड करे तो जो टैक्स वापस मिला वो आपकी जो है वो इनकम नहीं है, बल्कि टैक्स के ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिला वो आपकी इनकम है। बेस्ड ऑन दिस बात आई विल मूव टू नेक्स्ट बात, बिकॉज वी आर हेयर टू डूइंग बात बात इन बात, लेट द बात कंक्लूड। अदर इनकम में 7 लाख पड़ा हुआ है, ये रिसीव हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, जो कि 2022 का पैसे ना रिफंड हुए हैं, इसमें पड़ा है 80,000 डिलेड रिफंड का। तो मेरे ख्याल से 720 - 80 640 उठ उस 8 मिलियन टाइप चीज है जो अभी हम देखे आए हैं, और 1.4 टाइप चीज यहां 80 है, टोटल हमें कितना मिला है 720 में 80 इंटरेस्ट है और 640 मेरा अपना टैक्स ही मुझे वापस मिला है। टैक्स वापस मिलना खुशी है या इंटरेस्ट अलग से, ये इंटरेस्ट खुशी है, इसको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में डालेंगे। लेकिन सर आपने उल्टाया क्यों 720, अदर इनकम इंक्लूड 720, बोंगे ने पूरा 720 अदर इनकम में डाल दिया था। तो भाईजन आज ये बात हमेशा के लिए खत्म करें, उल्टाते हुए
आपने टैक्स रूल्स नहीं सोचने, उल्टा देना है। रिकॉर्ड करते हुए अकल लगानी है कि टैक्स वाले पूरा इनकम में डलवाएंगे या थोड़ा सा इनकम में डलवाएंगे, थोड़ा सा इनकम में डलवाएंगे, कितना, बाकी 640 आपका अपना पैसे आपको वापस मिल गया, घर में मजे करें, एंजॉय करें, जो मर्जी करें। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, एडिशनल पेमेंट बताएं, एडिशनल पेमेंट ऑन डिलेड रिफंड 80। ओके, नेक्स्ट। नहीं, इधर 80 नहीं लिखेंगे, यही तो बात मैं आपको बता रहा हूं कि इधर 80 नहीं लिखेंगे। काश हमारे अकाउंटेंट ने भी 80 इनकम में डाला होता। नहीं, वो तो अंग्रेजी है, जैसे मर्जी आप लिखो, वो तो अंग्रेजी है, यहां आप जो मर्जी लिख दो, बस उल्टाना ही है ना, यहां अंग्रेजी के तो मार्क्स नहीं होंगे, इस 720 के लेस करने के मार्क्स होंगे। तो अदर इनकम में इंक्लूड कितना है, बस वो निकाल दें, अंग्रेजी जो मर्जी लिखो साहब। ये एग्जीबिटी एडजस्टमेंट आ गई, अदर इनकम में कैपिटल गेन इनकम पड़ी है, ये बिजनेस की इनकम है, नहीं। अदर इनकम इंक्लूड कैपिटल गेन इनकम ऑफ 430 एंड 250 ऑन सेल ऑफ शेयर्स ऑफ मंजिल लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड, ये प्राइवेट होगी, ये सेक्शन 37 वाली है, एंड हिम्मत लिमिटेड अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी ऑन 20 जून 2025। बोथ इन्वेस्टमेंट्स वर मेड ऑन 1 जनवरी 2023, दोनों इन्वेस्टमेंट्स 1 जनवरी 2023 को की हैं। इस लाइन को मैं देख लूंगा ये क्यों लिखी हुई है, मैं ना फेस पे ही चीजें फेंकने लगा हूं, फेस पे ही चीजें फेंकने लगा हूं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन दोनों निकाल दें, दोनों निकालें जी, कितनी कितनी जी, 430 और 250। शुरू कर दूं फेस। अच्छा, एक मिनट, बस मुझे रीक्लासिफाई कर लेने दे, 430 और 250 को रीक्लासिफाई कर लेने दे। ये जी फेस है, फेस पे हमें चाहिए होगी इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वही जो तरतीब है बिजनेस अदर सोर्स। एक चाहिए होगी हमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, और एक चाहिए होगी हमें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक। बेहतर है पेपर में आप इधर लिखिएगा डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स प्राइवेट के होते हैं, डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। चलें साथ ही रिक्लासिफाई कर दें फेस के ऊपर ही, 430 अनलिस्टेड वाली है और 250 लिस्टेड वाली है, 430 और 250 लें जी, फेस पे रिक्लासिफिकेशन होगी। बिजनेस अदर सोर्स, कैपिटल गेन कैपिटल गेन, नॉर्मल टैक्स रिजीम सेपरेट ब्लॉक, डिस्पोजल ऑफ प्राइवेट कंपनी शेयर्स, डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज। चलें अब आप हजरात बिजनेस का टोटल कर दें, 1 3 कोई फियर निकला सवालों का जरा जहन से, थोड़ा सा रिलैक्स हुए, 1 3 मुफ्त के नंबर बहुत से पड़े होते हैं सवाल में यार, ये सवाल आधा हो जाना था वैसे, अगर मैं ना करवाता तो आधा, आधे से ज्यादा हो जाना था यार, ये तो अभी से आप लोग ज्यादा पढ़ने लगे। इनकम फ्रॉम बिजनेस, किसी ने ऐसा तो नहीं सोचा होगा कि न्यूमेरिकल कर लूंगा, थ्योरी में कोई हल्का फुल्की गुंजाइश निकल भी आई तो 70-80% मार्क्स न्यूमेरिकल से ले लूंगा,
नहीं नहीं थ्योरी साथ से याद करें, ये ना कीजिएगा, थ्योरी उसने ज़्यादा दे दी, उधर पेपर के बाहर लेटे होंगे आप। 1 3 4 8 0 तो मेरे मुंह से टीयर रूम में आके प्लीज़ कुछ ना निकलवाया करें, कितनी थ्योरी आएगी कितना न्यूमेरिकल आएगा, ज़बरदस्ती मेरे मुंह से ना निकलवाया करें। फिर भी कौन सा इंपॉर्टेंट है, मेरे मुंह से ना कुछ निकलवाया करें। अदर सोर्स कितना 80 आप त्याग करें, एक बार नजर तो मार लें जाके कि क्या क्या रह गया है। रीक्लासिफिकेशन हमने सिर्फ एक जगह लिखा है डोनेशंस में, जरा मैं फेस पे गिन लूं लाइनें कितनी बननी है मेरी। बिजनेस डाउन स्पेकुलेशन है, कैपिटल गेन एनटीआर है, कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक है, और अदर सोर्स है। चार चीजें ये हैं, पांचवी टोटल इनकम लेस सेपरेट ब्लॉक, फिर उसके बाद टोटल इनकम, कोई जकात नहीं, कोई बच्चों को तालीम नहीं दिलवा रहा, शादी नहीं हुई, टैक्सेबल इनकम, ग्रॉस टैक्स निकालेंगे, फॉरेन टैक्स क्रेडिट कोई नहीं, चैरिटी वाला है, फिर उसके बाद सेपरेट ब्लॉक का टैक्स है, इसके बाद फाइनल टैक्स का कोई टैक्स नहीं है, टोटल टैक्स है, इसके बाद टैक्स डिडक्टेड कोई नहीं है, डिडक्ट डिविडेंड पे होता है, सिक्योरिटीज पे नहीं होता, बस पेएबल टू गवर्नमेंट, बस ये फेस पे चीज़ें आनी है। ये भी भूल गया हुआ था, ज़रा थोड़ा थोड़ा याद आ गया। अच्छा जी करें जी टोटल 1 4 2 4 0। अच्छा इसके साथ ना टोटल इनकम ज़रूर लिख दिया करें पेपर में, टोटल असल में उसने रिक्वायरमेंट में मांगा होता है टोटल इनकम अलग से बताएं। वैसे मेरा मशवरा है कि टोटल का लफ्ज़ ना ही लिखा करें, टोटल वाला ज़रूर लिख दिया करें, क्योंकि बोलने की आदत हुई है ना, लिखने की तो आदत नहीं हुई। सेपरेट ब्लॉक को माइनस कर दें जी, टैक्सेबल इनकम भी है और ये टोटल भी है, चलें एक चीज बस मेन है, जो इंक्लूड है ना उसको एग्जैक्ट अमाउंट से उल्टाना है, बस ये आज की बात मेन है। एक आप जी टैक्स निकालें नॉर्मल टैक्स रिजीम वाला, चैप्टर 4 में जाएं, सैलरी तो है ही नहीं, तो टेबल 1। हाँ जी 1 330 000 प्लस 30 799 000 4 1 2 7 अब आपने माइनस करना है टैक्स क्रेडिट, ये मैं मिटा रहा हूं वर्किंग 1। लेस चलिए इधर ही टैक्स ले आते हैं यार, टैक्स इधर ले आते हैं, कितना है 4 1 2 7 1 3 3 000 प्लस 35% ऑफ 7 000 ओके
चलें, अब आप माइनस कर दें फॉरेन टैक्स क्रेडिट, वो है नहीं, फिर माइनस कर दें चैरिटी वाला, ए ओवर बी इंटू सी, ए ओवर बी इंटू सी, अच्छा जी 4127 डिवाइडेड बाय 1, C is lower off. Actual donation या 30% ऑफ 13990. ओके, एक्चुअल डोनेशन पे अब थोड़ी डिस्कशन हमारी है, जो आज की क्लास की आखिरी डिस्कशन है. एक्चुअल डोनेशन, एक्चुअल डोनेशन इधर देखें जी, अच्छा उधर को नोट करें अभी. अच्छा जी, एक्चुअल डोनेशन, डोनेशन कितनी है अभी तक नोट कराइए. जी फरमान, कर लिया नोट आपने? ओके, डोनेशन है 1000 की, फोर्टी परसेंट 400 वॉज डोनेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन लिस्टेड इन 13 शेड्यूल. सिक्स हंड्रेड किसको है? अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट इदारों में कुछ थे 13 शेड्यूल वाले और कुछ अदर अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट इदारे थे. तो 13 शेड्यूल वालों के अलावा कोई अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट इदारे थे? अप्रूव्ड नॉन प्रॉफिट इदारे. इस तरह के डोनेशंस की डिटेल है. डोनेशन सारी की सारी है अप्रूव्ड इदारों को. परेशान करने के लिए कह रहे हैं इतनी 13वीं शेड्यूल वालों को है, इतनी बाकी नॉन प्रॉफिट इदारों को है. अब हम जाके जरा देखते हैं कि चैप्टर 6 क्या फरमाते हैं. चैप्टर 6 कहते हैं कि यार कोई मसला नहीं, आप नॉन प्रॉफिट इदारों को भी डोनेशन दे सकते हैं और आप 13वां शेड्यूल वालों को भी डोनेशन दे सकते हैं. खुदा का आड़ निकला चूहा, वो भी चूहे जैसा. सॉरी, तो ये वो जूम मीटिंग वालों को जरा हल्का फुल्का. अच्छा जी, सुबह भी है. अच्छा आप बता दें किस पर डोनेशन दूं? दोनों आर एलिजिबल फॉर डोनेशन, इसलिए ऐसी कुछ करने की जरूरत नहीं थी. हाँ, अगर ये लिखा होता कि खुदा के लिए अल्लाह के लिए पैसे दे दो मैं मरने वाला हूं, और कोई फकीर आपसे आके पैसे मांगता और आप उसको 40% पैसे दे देते, तो फिर फकीर वाले डोनेशन पे टैक्स क्रेडिट ना मिलता. लेकिन ये फकीर तो नहीं है, ये तो 13वें शेड्यूल वाले अमीर हैं, तो नॉर्मल लोग हैं, इनको डोनेशन लगती है, इन सबको डोनेशन लगती है, लगती है तो लगाएं. तो इस बहस में जाने की जरूरत नहीं थी, मार्कर को ऐसे करें और चले. नहीं, साथ वाले के नोज पे लग जाएगा. एक्चुअल डोनेशन बोले 1000, 40-60% करने की जरूरत नहीं, इसका लोअर 1000 ही आ जाएगा, 2995.
5. A over B into C, where C is lower of these two. हाँ माड़ा, क्या हाल है तेरा? तुझे 3:15 बुलाया तो पहले क्यों आया? जा. अच्छा, जवाब बताएं. 3-8, 3-2. चले जी, न्यूमेरिकल का फॉर्मेट किसी को याद हो? ये कौन सा टैक्स है? पेबल टू गवर्नमेंट चपेड. यार ये बंदा कुट खाएगा किसी दिन. अच्छा, ये टैक्स है नॉर्मल टैक्स रिजीम का. और नॉर्मल टैक्स रिजीम का कौन सा वाला टैक्स? नेट. नेट का क्या मतलब है? टैक्स क्रेडिट्स माइनस करके. छतों को छू जाएंगे आज हम. अच्छा आगे चलें जी. अब ऐड करने टैक्स ऑन सिक्योरिटीज और टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टीज. बादशाह सलामत का हुक्म है कि सिक्योरिटीज को हाजिर किया जाए. इस क्लास में कोई बैठे बादशाह? टैक्स ऑन सिक्योरिटीज. सिक्योरिटीज 250, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, आ जा तुझे बिठाएं. चलें, जिसे निकाला था उसे बुला लें. निकालने वाले को तो बुलाया जाता है पाकिस्तान. ढाई गैर सियासी बात करता हूं मैं, आप लोग उसको सियासत का रंग दे देते हैं. अच्छा जी, अच्छा मोहतरम, सिक्योरिटीज के केस में ना देखना होता है कितने अरसे बाद बेची. यकम जनवरी 23, यकम जनवरी 24, यकम जनवरी 23 को उंगली पर नहीं गिनना. यकम जनवरी 24, यकम जनवरी 25, यकम जनवरी 26, यकम जनवरी 25 के बाद और यकम जनवरी 26 से पहले 2 साल से ज्यादा 3 साल के अंदर अंदर बोले. 2 साल से ज्यादा 3 साल के अंदर अंदर 2 साल. बस मिल गया है. कितने परसेंट रेट है? नहीं नहीं, ये 30 जून 22 से पहले की नहीं खरीदी हुई, बाद में खरीदी है. 30 जून 22 के बाद में खरीदी है. भाईजान आपको 3:15 बुलाया, प्लीज आप. अच्छा आए हैं. अच्छा आप बताएं जी, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज 10%. सुभान अल्लाह, ये याद आया? ये भी एक टेबल था, लगता होता था. आज लगाए ना, जोर से लगाए ना, आज लगे टेबल, लग तो नहीं गई लगने से. खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें, हमने घर जाना है. अच्छा जी जी मोहतरम, टोटल टोटल टैक्स 3-8-5-7. अच्छा अब पेबल टू गवर्नमेंट भी यही है मेरे ख्याल से. ठीक है फिर इसको फारक करें, फिर इसको पेबल टू गवर्नमेंट ही कर दें, और तो कुछ है नहीं. ये कितने नंबर का है सवाल? 18 तो आपके इधर से आ जाने थे, बाकी 32 रह गई थी. 32 आती जाती रहती है. इस दफा का पास पेपर वाला सवाल डिस्कस हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह. इस दफा जो लेटेस्ट में आया है वो टर्म टेस्ट में आया था, वो डिस्कस हो गया था. सिर्फ उसकी पहली एडजस्टमेंट मैंने चेंज की थी. वो पहली एडजस्टमेंट आपको किसी दिन करवा दूंगा. इसी तरह उसने पहली एडजस्टमेंट क्या, तो आपकी इनकम में बस चला जाएगा. बता देता हूँ. ठीक है जी, चलें ले जाए मेरे साथ वाले को प्यार मोहब्बत. आज उसे बंद कर दे रिकॉर्डिंग, आज उसे